हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा। आज हम बात करेंगे फिर बैंक निफ्टी का कैसे वो परफॉर्म कर सकता है। तो निफ्टी के पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे आज मार्केट काफी अच्छा ट्रेंडिंग रहा अपसाइड में। तो निफ्टी जगह पर बंद हुआ था यहाँ पे कल, तो पहला जो रेजिस्टेंस था कल आज के लिए वो था 1870 का। तो इसी के आसपास मार्केट यहाँ पे रुका, यहाँ से काफी अच्छा मोमेंटम ऊपर दिया। 1812 का हमने लेवल रखा था, यहाँ तक ये गया मार्केट, इसके ऊपर काफी अच्छा निकल गया। तो हमने लेवल तो 1812 तक ही बनाया था। अब कल के लिए देखते हैं यहाँ पे, तो पहला जो रेजिस्टेंस यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे एक रेंज आएगी, ये वाली जो आज का हाई है ना उसकी यहाँ पे एक रेंज बनेगी। इस जगह पर आके यहाँ पे रिजेक्शन देता है मार्केट, तो यहाँ पे रुक जाएगा। फिर अगर ये ब्रेक होता है तो 18207 के आसपास करेगा। फिर उसके बाद अगर निकलता है तो आराम से 18250 तक मार्केट फिर जा सकता है, क्योंकि देखो कल एक्सपायरी है यहाँ पे, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। दोनों तरफ मोमेंटम मिल सकते हैं, और अगर ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पे निकलना है तो ऊपर तरफ अगर निकलना है तो वॉल्यूम काफी अच्छी लेनी चाहिए यहाँ पे। अब नीचे सपोर्ट किस साइड आ सकता है यहाँ पे, तो सपोर्ट की जो रेंज बनेगी वो है पहली इस जगह के यहाँ पे 18, पहला तो बनेगा यहाँ पे सपोर्ट 18145 की यहाँ पे। उसके बाद चेंज होगा यहाँ पे सपोर्ट लेवल, जो यहाँ पे आएगा वो है 18104 की यहाँ पे। तो देखो 18000 के ऊपर का लेवल सस्टेन करा और 18100 का लेवल में ब्रेकआउट वगैरह सब दिया, काफी अच्छा मोमेंटम रहा। अब इस जगह पर रेंज में आज मार्केट रुक गया, तो अब इसको मेरी रेंज बना लेते हैं। ऊपर की तरफ ये है और नीचे की तरफ यहाँ पे ये वाला, तो इसी जगह पे से जिस से डायरेक्शन निकलेगा उस तरफ मोमेंटम काफी अच्छा निकलेगा। क्योंकि देखो आप यहाँ पे 11:30 बजे से 11:15 बजे से लेकर पूरे टाइम ये तीसरी रेंज में एक रहेगा मार्केट यहाँ पे, तो डायरेक्शनल मूव अगर यहाँ पे मिलना तो काफी अच्छा मिलना है। निफ्टी नहीं गिरा उसके लिए पीछे भी कहीं गिरा, जैसे रिलायंस आज काफी अच्छा था। रिलायंस में देखो रिलायंस गिर नहीं रहा ना, तो वो भी अपने आप में स्ट्रेंथ शो कर रहा है रिलायंस, तो वो चीज भी अच्छी थी यहाँ पे। अब हम बात करते हैं FIIDI का डेटा क्या है। तो FII ने 319 करोड़ की सेलिंग करी है, कल इन्होंने बाइंग करी थी 211 की, वापस सेलिंग कर दी, तो क्वांटिटी कम है तो वो चीज अच्छी यहाँ पे। और DII ने 1225 करोड़ की बाइंग करी है, तो DII की बाइंग की वजह से कहना कि मार्केट में आज ट्रेडिंग रहा, FII की सेलिंग कम रही, वरना सेकंड हाफ में मिल जाता है कि वापस एक नेगेटिव मार्केट बन जाता है, तो आज वो चीज़ें नहीं हुई यहाँ पे। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है। देखो बैंक निफ्टी में हमने यहाँ पे बंद हुआ था बैंक निफ्टी इस जगह पर, ये वाला एरिया था, ठीक है। हमने सपोर्ट बनाया था 42190, थोड़ा सा इसके नीचे यहाँ पे गया, पर मार्केट ने 3-4 घंटे बने वापस उसके बाद में शार्प अप मूव दे दिया यहाँ पे, इसको क्रॉस करा। तो जो पहला टारगेट था हमारा वो था 4-4.53 के आसपास का, ये रिजेक्शन लेवल था एक ये वाला, क्योंकि कल का हाई था, तो इसको ब्रेक करा तो 4-5.3 के आसपास गया, फिर वापस आया रिटेस्ट करने, तो इसी लेवल के वापस यहाँ पे रिटेस्ट करा इसने इस जगह को, और एक ट्रेंड लाइन भी थी यहाँ पे, तो उसी जगह से रुक के वापस से ऊपर निकल गया। अब 42500 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि उस पर अच्छी खासी वहाँ पे है बैठे हुए सेलर्स वगैरह, तो ये चीज ध्यान रखें। देखो थोड़ा बहुत निकलने की कोशिश भी करी, 42555 के आसपास तक गया, पर वहाँ पे ट्रेप करा गई नहीं, ये वो कैंडल बनाई उसके बाद वापस वहीं रुक गया। अब ये लेवल है यहाँ पे एक ये वाला, देखो एक ही रेंज बन गई यहाँ पे इस जगह की, इस जगह को अगर ये निकालेगा यहाँ से तब जाके ही आप उसमें कंडीशन देखिए ऊपर की तरफ, क्योंकि बीच में यहाँ पे दिक्कत करेगा बनने की। और नीचे यहाँ पे एक मिनट इसको मैं हटाता हूँ इसको, अब सपोर्ट कहाँ पे बनेगा इस जगह के आसपास का, एक बीच में एक मिड में सपोर्ट आ जाएगा, ये रेंज है यहाँ पे नीचे की तरफ लोअर में, ये देखिए निफ्टी बन बैंक निफ्टी बन हुआ 42558 के, ऊपर का एक ही लेवल है यहाँ पे, ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे इसको इस जगह पे सपोर्ट मिलेगा, इसके बाद में 42190 के यहाँ पे लेवल है, ठीक है। इसको भी हम नीचे थोड़ा शिफ्ट करेंगे यहाँ पे इस जगह के आसपास, ये आएगा अगर तो 42152 के आसपास फिर ये वापस आ सकता है। ऊपर की तरफ यहाँ पे ये लेवल निकालता है तो 42619 का लेवल काफी अच्छा मिल सकता है इसमें, और ये ध्यान रखिएगा 42500 का लेवल जब निकलेगा तो काफी अच्छी वॉल्यूम के साथ निकलना चाहिए, मतलब वॉल्यूम की कैंडल्स वगैरह इस तरह की दिखनी चाहिए यहाँ पे, तब जाके उसको निकाल पाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे निकाला तो था इसने, पर कैंडल्स देखिए आप यहाँ पे कैंडल्स काफी वॉल्यूम काफी कम थी, तो वो चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ पे, और यहाँ की कैंडल्स देखिए इसमें काफी अंतर फर्क है। तो ये जब इस तरीके से निकालेगा तब ऊपर 42699 का लेवल काफी अच्छा मिल सकता है, और कल एक्सपायरी है तो दोनों तरफ का मोमेंटम मिलने के चांसेस रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।